जनपद अलीगढ़ में पहली बार जापानी विधि मियावाकी से ग्राम पंचायतों में अमृत वन बनाए जा रहे हैं। जिले की 51 ग्राम पंचायतों में ग्राम अमृत वन स्थापित किए जा रहे हैं। एक ग्राम वन में 2500 से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस पर 6.5 लाख की धनराशि खर्च की जा रही है। मियावाकी विधि से लगे पौधे बाग के रूप में विकसित होंगे। जिले के बिजोली ब्लॉक की दत्ता चोली बुजुर्ग ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की गई है। सीडीओ आकांक्षा राणा ने बताया कि मियावाकी पद्धति से 51 ग्राम पंचायतों अमृत वन लगाए जा रहे हैं। इस विधि में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। 51 ग्राम पंचायतें चयनित की हुई हैं, जहाँ पे हम मियावाकी पद्धति के माध्यम से ग्राम वन लगाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जब हम मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करते हैं, तब हम उसमें डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको लगाते हैं। इसमें कैनोपी ट्री, सब ट्री और श्रब के होते हैं इसमें प्रकार, और इसमें बहुत ही पास नज़दीक वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें एक तो चीज़ खासियत ये होती है कि इसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो 10 times आपकी फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स जैसे हम वृक्षारोपण करते हैं। प्लस इससे जो वन बनता है वो थोड़ा ज़्यादा घना होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें हम विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो भी अधिक होती है। तो हमारा यही एक लक्ष्य है, और इसकी शुरुआत आज हमने दत्ताचोली बुजुर्ग गांव है यहाँ पे एक ब्लॉक बिजोली में, यहाँ पे हमने शुरू किया है। और यहाँ पे जितने भी परिवार हैं उन्होंने एक एक पौधा अडॉप्ट किया है, तो एक परिवार एक पौधा की मुहिम के अंतर्गत यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया हुआ है, लगाया हमारे दत्ताचोली बुजुर्ग में। और उदयवीर सिंह प्रधान यहाँ के मेरे मित्र हैं। बड़ी अच्छी खुशी की बात हुई कि जिला प्रशासन ने ये लास्ट बॉर्डर का हमारा, ये इधर गंगा का किनारा है ये गांव चुना। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी।